एक बच्चा है, उसने क्वेश्चन पूछा है कि सर एग्जाम में ना कभी कभी एकदम ब्लैकआउट हो जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ के आए थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, एंड अभी एग्जाम में ना याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर एग्जाम में करते करते ना सॉल्व कोई गाना आ गया। ये वाला सर, मतलब एवरीवन कैन रिलेट आई थिंक। अभी वाले स्क्रीन से जैसे मेरा डिस्कशन होता है ना, सबके दिमाग में गाने पता नहीं क्यों बजने लग जाते थे, है ना। एंड तो ये वाला जो चीजें हैं, ये जनरल सभी के साथ रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो एग्जाम में वो ब्लैकआउट्स को कैसे अवॉइड करें, है ना। एंड सर इससे पहले एक प्रतिमा जी, जो भी चल रहा है ना वो कॉमन एग्जाम पे चल रहा है। आई विल डेफिनेटली गो फॉर योर क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के बाद आपके वाले क्वेश्चन का। जी सर, हाँ ब्लैकआउट वाली सिचुएशन देखिए बहुत बार क्रिएट हो जाती है। इसका रीजन ये होता है कि है ना, हम एक फियर लेके जाते हैं, एक स्ट्रेस। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले ही हमारे माइंड में एक स्ट्रेस रहता है, और क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड्स हैं, नो डाउट आपने पूरे थ्रू आउट द बहुत सारे पेपर दिए होंगे, बट बोर्ड का एक है ना, कहते हैं ना प्रेशर, जो हम कहते हैं वर्ड यूज करते हैं, तो हम है ना अपने मन में ही एक स्ट्रेस लेके चलते हैं। पहली चीज जाके ना, सबसे फर्स्ट थिंग, गो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ और पानी पीजिए आराम से। पहले रिलैक्स हो जाइए, और पर्टिकुलरली हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपके, 35 क्वेश्चंस का पेपर है, 10 क्वेश्चंस को देखकर आपको लग रहा है ये नहीं आ रहा, आता था भूल चुका हूँ, कोई बात नहीं, आप उन 10 क्वेश्चंस को उस टाइम स्किप कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है, आपसे चाहे 35th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, आपसे चाहे 25th क्वेश्चन हो रहा है, आप उसको स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कभी कभार जब हम ब्लैकआउट हो जाते हैं ना, तब आपके पास एक या दो क्वेश्चन ही कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर आपके एक या दो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए और आप कॉन्फिडेंट फील, आपके पास कॉन्फिडेंट आ गया, डेफिनेटली जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आप कर लेंगे। लेकिन उस सिचुएशन में बेटर अप्रोच यही रहती है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि पूरे पेपर में आपको कुछ नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होगी। अगर आपने पढ़ाई की है तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलरली टाइम के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्ट्रेस्ड होते हैं। फिर उस टाइम एक क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा मिल गया जो आपको आता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, फिर आप पूरे पेपर में नहीं रुकने वाले, ये डेफिनेटली होता है। सर, ट्रू ट्रू ट्रू।